गाइस यहाँ पे अभी डेकोरेशन चल रहा है, कल है मेहंदी और कल मेरी बहन का ऑफिशियल वेडिंग भी है जो कोर्ट में जाके होगा। बट उससे पहले यहाँ पे अभी चेंज हो रहा है क्योंकि मेहंदी के लिए सेटअप हम लोग थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, तो उसी सेटअप को थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे हैं, तो इसलिए सब काम वाम चल रहा है यहाँ पे। एंड जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत ही क्यूट सा, क्योंकि उसको बहुत सिंपल चाहिए था, मेकओवर ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो इसी वजह से ऐसे टाइप का आएगा। तो आप देखोगे, इसी वीडियो में देख लोगे, थोड़ी देर बाद ही आप देखोगे, तो ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा ये डेकोरेशन। बहुत सिंपल है बट यस, बहुत एलिगेंट भी है और सुंदर भी मुझे लगा। इतना कुछ ताम झाम नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता इतना कुछ चाहिए होता है। बट और कल है रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो लेट्स गो। आज है मेरी बहन का ऑफिशियल वेडिंग डे, तो आज ये लोग कोर्ट मैरिज करने वाले हैं, तो हम फुल फैमिली, मतलब लड़के वाले और लड़की वाले सब नहीं, कुछ जन आए हैं यहाँ पे विटनेस बनने के लिए और उनकी शादी देखने के लिए, बिकॉज दिस इज़ ऑफिशियली दे आर गेटिंग मैरिड ऑन दिस पर्टिकुलर डे, विच इज़ सो सो एक्साइटिंग। और आज इनकी मेहंदी भी है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा। तो अभी दोपहर को इनकी शादी हो रही है, जैसे कि आप देख ही सकते हो, इन लोगों ने हार एक्सचेंज कर लिया है, मतलब वरमाला एक्सचेंज कर लिया है, अभी मिठाई खा रहे हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन से हम लोग डायरेक्टली घर आ गए और यहाँ पे मेरी बहन रेडी भी हो चुकी है। एज यू कैन सी शी इज़ वेयरिंग अ पिंक लहंगा और बहुत ही प्रीटी लग रही है। अपनी मेहंदी स्टार्ट होने से पहले हम लोग ये प्री मेहंदी लुक शूट कर रहे हैं अभी, उसके बाद मेहंदी स्टार्ट हो जाएगा और दोनों हाथों में और पैरों में मेहंदी लगेगा, तो इट विल टेक क्वाइट सम टाइम, लाइक 4-5 घंटे 6 घंटे तो लग ही जाएंगे। और हम लोग भी हाथों में मेहंदी लगाने वाले, सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सो लेट्स सी कैसी चलती है हमारी मेहंदी वाली नाइट। तो गाइज ये है फाइनल लुक, आप देखो डेकोरेशन कितना सुंदर लग रहा है। पिंक एंड वाइट कलर का डेकोरेशन है और उसमें थोड़ा सा लाइटिंग्स दिया हुआ है, थोड़े से ग्रीनरी और फ्लावर्स ऐड किए गए हैं। बहुत ही क्यूट, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड जो फ़ोटोज़ आई है ना, काफ़ी अच्छी आई है। इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लेना फ़ोटोज़ देखने के लिए। तो यहाँ पर मेहंदी जो है वो भी इसके एक हाथ में काफ़ी सुंदर लग चुका है। तो इन दोनों का निकनेम जो है वो आर और पी से स्टार्ट होता है, तो ये RP इनिशियल्स दिए हुए हैं। एंड या ये टाइम तो लग रहा है बट जो एंड रिजल्ट है वो भी काफ़ी सुंदर है। अभी ये दूसरे हाथ का मेहंदी भी इसका स्टार्ट हो चुका है और इन द मीन टाइम हमारा मेहंदी वाला भी आ चुका है, तो ये मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ। माया सो रही थी, ओह उठ गई, मम्मा के पास है और ये मेरा मेहंदी चल ही रहा है अभी। उसके बाद एक एक जन करके हर कोई मेहंदी लगाएगा, तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मेरा वाला जो मेहंदी आर्टिस्ट है वो जल्दी जल्दी कर रहा था, तो इसलिए हम लोगों को इतना टाइम नहीं लगा। बट मेरी बहन यानी पायल का जो मेहंदी आर्टिस्ट है वो थोड़ा सा टाइम ले रही थी, बिकॉज वो ब्राइडल मेहंदी कर रही थी, वो बहुत सुंदर भी मेहंदी लगाती है, तो उसका थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट वो मेहंदी काफ़ी सुंदर आ रहा है। गाइज आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना मेहंदी कैसा लगा और आप लोग क्या प्रेफर करते हो मेहंदी लगाना। मेरे को तो मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ब्राइडल मेहंदी कैसी लगी, हमारी मेहंदी कैसी लगी। मैं शायद शॉर्ट्स डालूंगी मेहंदी लगाने के बाद आफ्टर, या फिर आप इंस्टाग्राम में देख लेना, वहाँ पर मैं ज़रूर डाल दूँगी। तो ज़रूर बताना कैसा लगा मेहंदी, वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का। क्योंकि अमाया बहुत छोटी है तो अमाया को हमने मेहंदी नहीं लगवाई है। और ये है मेरा सबसे छोटा भाई और अमाया का सबसे छोटा मामा, और यहाँ पे हम सब बातें कर रहे हैं अभी, बाकी जन मेहंदी लगा रहे हैं, तो इसलिए मैं और माया थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं और थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और मेरी बहन का मेहंदी लगाना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और देख लो गाइस मेरा मेहंदी लगाना एकदम ख़त्म है और मैं माया के साथ अभी टाइम स्पेंड कर रही हूँ। एंड वी आर इन्जॉइंग, क्योंकि मेहंदी रात तो होती है ना इन्जॉय करने के लिए, और अभी हमारे दोस्त भी आएंगे और लड़के वाले भी आएंगे कुछ ही देर में, उसके बाद और ज़्यादा इन्जॉयमेंट बढ़ जाएगी। तब तक होपफुली मेरी बहन का मेहंदी लगाना ख़त्म हो जाएगा। और अभी यहाँ पे चल रहा है कुछ फिनिशिंग टचेस, उसके बाद इसकी मेहंदी लगानी ख़त्म हो जाएगी हाथ की, देन शी विल हैव हर लेग्स पेंटेड विथ मेहंदी और हिना।
देना क्यों एक टू घोटता सुंदर लगता है। मैं नीचे बैठूं, नीचे बैठूं। सो गाइस, ये हमारा घर है। आप देखो बाहर से कितना सुंदर सजाया गया है। और अभी हम लोग घर के नीचे खड़े हुए हैं बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द केटरर्स टू ब्रिंग द फूड। सो गाइज, मेहंदी लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे आके ऐसे सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं। सारे दोस्त लोग भी है, मेरी बहन का हस्बैंड भी यहाँ पे है, मेरा हस्बैंड भी यहाँ पे है, और सब लोग मिलके ये मेहंदी पार्टी इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे गाना वाना गा रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं। गाइज, अभी मेहंदी ख़त्म हो चुका है एंड मेहंदी का कलर ऑलमोस्ट आ चुका है। अभी करंट नहीं है तो जनरेटर ऑन है, इसलिए फ़ैन भी ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर अमाया है, ये बहुत सुंदर सुंदर सा कुकून जैसा बना हुआ है। अमायू, अमायू, ये देखिए। और गद्दा डाल के हम लोग नीचे सोए हुए हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ है। और ये गन्नी, हमने बहुत मस्ती की है। अमायू शो ली थी, फिशो की उठ भी गई। अमायू, अच्छा हाय। तो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। अभी मैं मुझे अमाया को सुलाना भी है। अमायू शी हाउ, हाय एवरीवन, बाय एवरीवन, ओके बाय, गुड नाइट गाइस। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, स्टे ब्लेस्ड।